गाइस वेलकम टू द फैंटेसी शो प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट ज्ञान। और फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं एक और नई फैंटेसी टीम लेकर। मैं हूं अंश शर्मा और मेरे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं ऋतिक। और ऋतिक, कल तो आप बहुत पैसे जीत चुके हैं क्योंकि हमारी जो फैंटेसी टीम थी उसे कैप्टन रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह थे। देखिए, बहुत खुशी हुई ऐसी टीम बनाकर। और हमने जो पिक्स लिए थे हमने अपने दर्शकों के साथ भी शेयर किए थे, उन्होंने भी जो है उन पिक्स को चुना था और वो भी काफी सारे धनराशि जीते थे, काफी सारे पॉइंट जीते थे। उनका मेरे पास भी काफी मैसेज आए थे और रिव्यूज भी आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि हमने रोहित शर्मा को चूज किया एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन हमने जसप्रीत बुमराह को चूज किया। रोहित शर्मा ने भाई सेंचुरी मार दी, बहुत जबरदस्त। जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट ले ली, तो इससे बढ़िया चीज हमारे लिए क्या हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अगर आपने ये टीम मिस कर दी है तो इसमें निराश होने वाली तो कोई बात नहीं है क्योंकि वर्ल्ड कप का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हर मैच की आपको बेस्ट फैंटेसी टीम दिखाएंगे और आज बात करेंगे वर्ल्ड कप के 11वें मैच की जो कि खेला जाएगा न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच। तो ऋतिक, सबसे पहले क्या लगता है ये जो मैच है चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है, किस तरह का वेदर कंडीशन नजर आ रहा है? देखिए, वेदर कंडीशन में अब अगर आपको बताऊं तो काफ़ी ह्यूमिडिटी रहने वाली, काफ़ी गर्मी रहने वाली, बारिश के कोई ज़्यादा चांसेस है नहीं। 0% से 2% चांसेस मैं कहना चाहूँगा बारिश के हैं, बारिश के तो बिल्कुल भी आसार है नहीं। बहुत गर्मी रहने वाली, ह्यूमिडिटी की बात करो तो 58% यानी 58% और टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये तो वेदर की कंडीशन है लेकिन फैंस के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि बारिश ही कोई आसार नहीं है, तो आप जाकर स्टेडियम में मैच का मजा पूरी तरह से उठा सकते हैं। अब बात करते हैं पिचेस की, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं फ्लैट पिचेस नजर आ रही हैं और बहुत सारे रन्स देखने को मिले हैं हर मैच में। तो ऋतिक, इस मैच में क्या कुछ अलग देखने को मिल सकता है या एक और बैटिंग फ्रेंडली विकेट नजर आ रही है? देखिए, बैटिंग फ्रेंडली तो रहेगा ही, शुरुआत में बैटिंग फ्रेंडली और ड्राई सरफेस है, फ्लैट ट्रैक रहेगा, पर लेकिन मुकाबला जैसे बढ़ता जाएगा ना आगे स्पिन फ्रेंडली होता जाएगा, स्लो होती जाएगी जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा पिच। और आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया में किस तरीके से रविंद्र जडेजा का गेंद जो है घूम रहा था, टर्न कर रहा था और पिच की, पिच से मदद मिल रही थी उनको, तो वैसे ही कुछ नजर आएगा। मुझे लगता है कि जो न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स हैं बेसिकली मिचेल सैंडनर, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अपने 5 विकेट ली थी, वो काफी कारगर साबित होने वाले हैं। बिल्कुल कारगर साबित हो सकते हैं यहाँ पर। और इसी बीच अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश की टीम है जो पिछला मैच हारकर यहां पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम है जो इस समय विजय रथ पर सवार है, लेकिन उनके कप्तान केन विलियमसन की इस मैच में वापसी हो सकती है। तो सबसे पहले इसी टीम की बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 ऋतिक क्या नजर आ रही है? देखिए, न्यूजीलैंड की टीम आपने बताई दी है शुरुआत में कि केन विलियमसन की वापसी हो रही है, वैसे तो अब फिट टीम साउदी भी हो चुके हैं, तो अगर आप देखें अगर उनकी पूरी प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड टीम की तो वो कुछ ऐसी लगती है। डेवॉन कॉनवे, विल यंग, केन विलियमसन, डैरल मिचेल, टॉम लिदम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सैंडनर, इस सोडी, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, ये थी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11। बिल्कुल, ये तो होगी न्यूजीलैंड टीम की बात। अब अगर बांग्लादेश की बात करें तो जरूर पिछला मैच ये टीम हार कर पहुंची है, लेकिन बहुत ज्यादा बदलावों की उम्मीद नहीं है क्योंकि ये जो टीम है इस टीम की बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। मेहंदी हसन लास्ट मैच में ऐड किए गए थे जो कि एक ऑफ स्पिनर हैं और अच्छी बॉलिंग भी उन्होंने लास्ट मैच में की थी, तो कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 नजर आ सकती है बांग्लादेश टीम की। अगर बात करें सबसे पहले ओपन करेंगे तंजीद हसन, उनके साथ लिटन दास, 3 नंबर पर नजमुल हुसैन शांतो, शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज, मुशफिकुर रहीम, तौहिद हिदोए, मेहदी हसन, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और मुस्ताफिजुर रहमान, तो कुछ इस तरह की नजर आ सकती हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11। और आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, जिस तरह से ऋतिक ने कल बहुत सारे पैसे जीते हैं, आपके पास भी मौका है कि हमारी फैंटेसी टीम लगातार फॉलो करें और हमारा जो सीजी फैंटेसी शो है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना। और ये देखिए ऋतिक किस बात का इशारा कर रहा है ये बजर। देखिए, इशारा तो यही है कि अभी हम दूसरी तरफ चलना चाहिए जहां पर हम न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश की बेस्ट फैंटेसी 11 बताएंगे। चलो चलिए, तो चलिए गाइस अब बना लेते हैं हमारी आज की बेस्ट फैंटेसी टीम। तो ऋतिक, सबसे पहले कौन सा प्लेयर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं चुनूंगा इस सोडी को। इस सोडी आप देख सकते हैं क्योंकि अभी तक तो खैर इनको प्लेइंग 11 में मौका दिया नहीं गया, जो 2 मुकाबले न्यूजीलैंड खेली है दोनों ही जीती है वैसे तो, पर इनको मौका नहीं दिया गया क्योंकि पर चेन्नई जैसी पिच भी इनको कहाँ मिली खेलने के लिए, पर चेन्नई की पिच है, यहाँ पर वेयर एंड टियर डिटोरिएट हो जाएगी विकेट और जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा इनका रोल अगर ये खेलते हैं उस प्लेइंग 11 में जो न्यूजीलैंड अनाउंस करेगी, तो मुझे लगता है ये बहुत जबरदस्त कारगर साबित होने वाले हैं इस सोडी, क्योंकि जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, टर्न भी बहुत एक्स्ट्रा मिल सकता है इनको चेन्नई की पिच पे। देखिए जबरदस्त तो एक और गेंदबाज साबित होने वाले हैं और वो होंगे न्यूजीलैंड के प्रोबेबली बेस्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट।
देखिए भारत में ये गेंदबाज इतनी बॉलिंग कर चुका है कि इनका दूसरा होम भी माना जाता है, क्योंकि लगातार मुंबई इंडियंस के लिए इन्होंने इतना क्रिकेट खेला है कि अब इनका दूसरा घर भी माना जाने लगा है ये इंडिया में। अच्छे बॉलर है ऋतिक, नई बॉल से स्विंग कराना ये जानते हैं और पुरानी बॉल से भी अच्छी डेथ बॉलिंग करना जानते हैं, और बांग्लादेश का जो टॉप ऑर्डर है वो वीक है बहुत ज्यादा, तो नई बॉल से बहुत सारे विकेट्स आपको चटका कर दे सकते हैं, इसलिए ट्रेंट बोल्ट को रखना आपकी टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो स्विंग कराते हुए और एट द सेम टाइम गेंद थोड़ा फंस के आने वाला है, मुझे लगता है उस वजह से भी कारगर एक ये साबित हो सकता है। उसके अगले खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो मेहदी हसन, यहाँ पर हम इनको खिलाएंगे, अंश के बहुत फेवरेट हैं और लगातार ये कहते रहते हैं मेहदी हसन हमेशा इनका नाम लेते रहते हैं। मैं चाहता था कि मैं इनके बारे में बताऊं, पर चलिए आप बता दीजिए मैंने आपको क्यों दे दिया। देखिए मेहदी हसन मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर हैं, क्योंकि देखिए बांग्लादेश की जिस तरह का टीम का स्ट्रक्चर है ना, इतने सारे स्पिनर्स हैं कि इनको लगातार खेलने का मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन देखिए लास्ट मैच में आए और 4 विकेट चटका दिए। बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी जानते हैं और योगदान भी जबरदस्त बल्लेबाजी से देते थे, तो दोनों लहजे से हमने यहाँ पर उनको अपनी टीम में चुना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आ जाते हैं इनके मिराज भाई, ये मेहदी हसन दूसरे वाले, ये मिराज है जी। इनके बारे में भी आप बता दो, क्योंकि ये भी आपके फेवरेट। देखिए मेहदी हसन, जितने भी मेहदी हैं बांग्लादेश की टीम में मेरे सारे फेवरेट प्लेयर्स हैं। देखिए मेहदी हसन, मिराज अभी रिसेंटली ऋतिक हम देख रहे हैं कि बैटिंग से भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 4-5 के आसपास बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और ऑफ स्पिन का तो क्या ही कहना है। तो मेहदी हसन मिराज एक बहुत यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे, और इनको आप अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क भी ले सकते हैं, आपको उस क्वालिटी के प्लेयर हैं ये। बिल्कुल, एक बार इनकी तस्वीर थोड़ी ठीक कर देता हूँ, देखिए मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, इनको ठीक से लगाइए। बिल्कुल, अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, डैरिल मिचेल, बल्लेबाजी से तो योगदान ये देते ही हैं, 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने जरूर आएंगे डैरिल मिचेल पर, लेकिन बीच बीच में मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी भी अगर इनको दी जाए तो जो राइट आर्म मीडियम गेंदबाजी से योगदान वो भी दे सकते हैं, पर लेकिन हमने मेनली इनको बल्लेबाजी के लिए रखा है और उससे योगदान देने की पूरी पूरी क्षमताएं हैं डैरिल मिचेल में। अगले खिलाड़ी बिल्कुल, देखिए अगले खिलाड़ी का नाम आता है रचिन रविंद्रा का, जो कि अब तक इस वर्ल्ड कप की फाइन रहे हैं, क्योंकि लगातार 2 मैचेस खेल चुके हैं, दोनों मैचेस में 1 शतक आया था, 1 50 आई थी। बिल्कुल, ऋतिक बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है इन्होंने और उतनी ही अच्छी ये गेंदबाजी भी करते हैं, अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, थोड़ा बॉल को हवा में फ्लाइट भी करते हैं, और इनको बहुत अच्छे से अब अंदाजा हो चुका है कि इंडियन पिचेस पर किस तरह से बॉलिंग करनी है। हाँ, अब देखिए ना यहाँ पे मुझे लगता है कि सेंटर का बहुत बखूबी साथ निभाएंगे, बहुत अच्छे से निभाएंगे देखिए, और इनको टीम में रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल जरूरी हो जाता है। अगले खिलाड़ी की बात करो जो इस मुकाबले से वापसी करेगा, वैसे तो वार्म अप मैच भी खेला था, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तानी करने जा रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 में पहली बार, क्योंकि अभी तक 2 मुकाबले में टॉम लेदम इनकी जो है न्यूजीलैंड की कप्तानी कर रहा था, ये फिट हो चुके हैं, इनके बारे में रिपोर्ट आ चुकी है, पूरे तरीके से फिट है केन विलियमसन, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। जिस हिसाब से केन विलियमसन जो ओडीआई फॉर्मेट में फिट बैठते हैं ना, जो स्टेबिलिटी देते हैं और बड़ी पारी खेलते हैं, इसी वजह से हर कोई इनको जो है अपनी टीम में रखना चाहेगा और हमने भी इसी वजह से रखा। और देखिए आईपीएल में ही इंजर्ड हुए थे और भारत में ही आकर वापसी कर सकते हैं, तो बिल्कुल उम्मीद रहेगी कि केन विलियमसन अपना जो डेब्यू होगा उनका वो आईपीएल की इंजरी के बाद से अब तक का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आज एक बड़ी पारी खेल सकते हैं अगर इन्हें मौका मिलता है तो। बिल्कुल, अगले प्लेयर की बात करेंगे तो अगर आप पिछला 1 साल उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश की टीम को बहुत अच्छे से संभाला है, क्योंकि नजमुल हुसैन शांतो एक ऐसे प्लेयर है जो बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी टीम्स के आगे स्कोर करने की एबिलिटी, ये इस प्लेयर को बड़ा बनाती है। इस टीम में आप इन्हें अपनी टीम में रखिए और जरूर आप सोच सकते हैं कि क्या पता इनको भी वाइस कैप्टन का प्लेस दे सकते हैं। बिल्कुल, और अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, जिस तरीके से ये खिलाड़ी खेलता है फिर दर्शक इनको देखकर बोलते हैं या जो भी इनके फैन होते हैं, दैट्स द वे कॉनवे। बिल्कुल, डेवॉन कॉनवे भाई स्पिन के बहुत बढ़िया खिलाड़ी, चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक में कितने बढ़िया तरीके से खेल चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स का पार्ट हैं, लगातार ये खेलते रहते, तो इनको पूरी रग रग से वाकिफ है इसकी पिच से डेवॉन कॉनवे, इसी वजह से हमने यहाँ पर दांव खेला है। अब जो पहला मुकाबला था इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने वहाँ पर सेंचुरी बनाई थी, पिछले मुकाबले में खैर इतना बल्ला नहीं चल पाया था, स्टार्ट इनको तब भी मिला था, पर कॉनवे पर दांव खेलो चेन्नई में वो तो बनता ही है। बिल्कुल बनता है देखिए, और ये हमारे 9 प्लेयर्स हो चुके हैं और अब बारी ऋतिक आ चुकी है हमारे 2 बेस्ट प्लेयर्स की, यानी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन जी। सबसे पहले आ रहे हैं हमारे वाइस कैप्टन यानी कि मिचेल सैंडनर। देखिए मिचेल सैंडनर एक ऐसे प्लेयर है इस न्यूजीलैंड की टीम में जिन्हें बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लेकिन जब जब स्पिन पिचेस होती हैं तो ये प्लेयर अपनी एबिलिटी से बढ़कर परफॉर्म करता है। लास्ट मैच में भी हमने देखा 5 विकेट इस गेंदबाज ने चटकाए, उसके अलावा लोअर ऑर्डर में आकर बड़े बड़े हिट्स भी लगा सकते हैं। इनसे बेहतर आज के मैच में वाइस कैप्टन का पिक मेरे लिए तो नहीं हो सकता रहते भाई, सीएसके के पार्ट भी तो है, ये भी तो बताओ। अब ये दोनों खिलाड़ी डेवॉन कॉनवे और मिचेल सैंडनर ये दोनों चेन्नई सुपर किंग्स के पार्ट है, चेन्नई में बहुत क्रिकेट खेला इन्होंने और रग रग से वाकिफ है ये दोनों खिलाड़ी, स्पेशली मिचेल सैंडनर जिनको हमने वाइस कैप्टन बनाया। अब बात कर लेते हैं कप्तान की,
कप्तान की हमने थोड़ी स्ट्रेंज पिक रखी है अंश, क्योंकि हम यहाँ पर सभी दर्शक सोच रहे होंगे देखने के बाद कि बल्लेबाज को कप्तान बनाना चाहिए, पर लेकिन हमने दांव खेला है शाकिब अल हसन पे अपनी ऑलराउंडर एबिलिटीज की वजह से इनकी, और जिस हिसाब से गेंदबाजी करेंगे और देखिए टर्न तो खैर मैं कहना चाहूँगा कि इतना खास इनको नाम मिलेगा नहीं, क्योंकि ये गेंदबाजी कुछ दूसरे टाइप की करते हैं, पर लेकिन जो इनका गेंद पड़ के स्किड होता है यानी सीधा आता है उसके हिसाब से विकेटें काफ़ी ले सकते हैं चेन्नई में, और बैट्समैन को बहुत ट्रबल कर सकते हैं, और बल्लेबाजी से योगदान तो देते ही हैं जो है बीच में जब आते हैं तो। बिल्कुल, देखिए ये हो गई हमारी कुछ इस तरह की टीम रहेगी। ऋतिक एक बार यार फिर से टीम पढ़ के बता। हाँ मैं बता देता हूँ, देखिए कप्तान हमारे शाकिब अल हसन, वाइस कैप्टन मिचेल सैडनर, फिर डेवॉन कॉनवे, नजमुल हुसैन शांटो हैं, केन विलियमसन को हमने रख लिया, रचिन रविंद्रा है, मैदी हसन मिराज हैं, डैरल मिचेल, इस सोडी ट्रेंट बोल्ट और मैदी हसन, ये हैं पूरे के पूरे हमारे 11 खिलाड़ी जो हमने चुने हैं न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश में से। बड़ा मुकाबले होने वाला है ये 11वां मुकाबला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सीजी फैंटेसी शो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें, क्योंकि लास्ट मिनट अपडेट्स हम आपको वहीं पर देते हैं, कोई भी प्लेयर चेंजेस हुए, कुछ भी हल्का फुल्का चेंज होता है वहाँ पर हम आपको बताते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको हमें फॉलो करें। फिलहाल अभी के लिए इस पेशकश में बाय बाय।